कबड्डी का मैच स्टार्ट होने वाला है और कबड्डी का जो भी मैच होता है इसके जो भी पॉइंट मिलते हैं हम लोगों को उसका पॉइंट सिस्टम जो है अब अपडेट कर दिया गया है ड्रीम इलेवन की तरफ से। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या क्या पॉइंट सिस्टम जो अभी नया अपडेट हुआ है, कितने रेट पे कितना मिल रहा है, डिफेंड पे कितना मिल रहा है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके और सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पे आप लोग देख सकते हो एक बैनर शो कर रहा होगा आपको जहाँ पे कबड्डी का जो पॉइंट सिस्टम है सब कुछ बताया गया है। यहाँ पे रेडिंग पॉइंट, डिफेंडिंग पॉइंट, अदर पॉइंट, कार्ड एंड टर्म पॉइंट सब कुछ बताया गया है और उसके अलावा जो अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सब भी बताया गया है। ये चीज़ हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत जल्द प्रो कबड्डी लीग भी स्टार्ट होने वाला है तो अभी के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेडिंग पॉइंट जो है उसके बारे में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सक्सेसफुल रेड टच पॉइंट आपको मिलेगा 8 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आपको रेड बोनस जो मिलता है वो 2 पॉइंट मिलता है आपको। सुपर रेड करने पे यहाँ पे आपको 4 पॉइंट मिलेगा। अगर सुपर 10 करता है जो प्लेयर उसको एक्स्ट्रा 4 पॉइंट और मिलेंगे। और यहाँ पे अनसक्सेसफुल रेड पे आपको -2 पॉइंट होगा, मतलब अगर कोई भी रेड अनसक्सेसफुल होता है तो -2 पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पे सक्सेसफुल रेड होता है मतलब टच पॉइंट मिलता है आपको 8 मिलेगा। रेड का बोनस 2, सुपर रेड 4, सुपर 10 4 और अनसक्सेसफुल रेड 2। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो रेडिंग पॉइंट हो गया वो हो गया। अब हम लोग जानेंगे डिफेंडिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा जो है उसको ओपन करते हैं डिफेंडिंग पॉइंट के लिए। सुपर टैकल या सक्सेसफुल टैकल अगर यहाँ पे होता है तो 20 पॉइंट मिलेगा आपको। सुपर टैकल होने पे 8 पॉइंट मिलेगा और हाई फाइव पे 10 पॉइंट मिलेगा और अनसक्सेसफुल टैकल पे आपको -1 पॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक डिफेंडिंग पॉइंट पे है जो बहुत ज़बरदस्त है और यहाँ पे आपको अच्छा खासा पॉइंट मिल जाएगा अगर सक्सेसफुल टैकल होता है तो। और उसके साथ सुपर टैकल में तो आपको 8 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा और हाई फाइव में आपको 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये हो गया आपका डिफेंडिंग पॉइंट। उसके बाद हम लोग जानते हैं जो अदर पॉइंट होते हैं उसके बारे में। कैप्टन का 2x मिलता है पता ही है और वाइस कैप्टन का 1.5 मिलता है आपको पता ही है। और इन द स्टार्टिंग 7 पे 8 पॉइंट मिलेगा आपको और सब्स्टिट्यूट अपीयरेंस पे 2 पॉइंट मिलेगा। अब इसके अलावा जो कार्ड एंड टर्म पॉइंट, जो कार्ड एंड टीम पॉइंट होता है वो भी यहाँ पे बताया गया है। आप लोग देख सकते हो गेटिंग अपोजिशन ऑल आउट, अगर अपोजिशन ऑल आउट होता है तो 8 पॉइंट, ऑन टीम ऑल आउट -4, ग्रीन कार्ड -2, येलो कार्ड -4, रेड कार्ड -6। ये हो गया कार्ड्स एंड टीम पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में है अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसके बारे में भी बताया गया है कि यहाँ पे बताया गया है कि इफ अ प्लेयर इज अनाउंस्ड इन द स्टार्टिंग 7 ऑफ अ टीम बट लेटर इज अनेबल टू स्टार्ट द मैच ही सी विल नॉट स्कोर एनी पॉइंट। द प्लेयर हु प्लेस एज द रिप्लेसमेंट हाउएवर विल अर्न पॉइंट फॉर द मैचिंग। यहाँ पे बताया गया है पॉइंट फॉर अ सब्स्टिट्यूट अपीयरेंस विल ओनली बी गिवन द फर्स्ट टाइम अ प्लेयर एंटर द फील्ड। यहाँ पे इन सब के बारे में और भी चीज़ें बताई गई हैं। आप लोग यहाँ पे आके एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ के सब कुछ यहाँ पे समझ सकते हो। लेकिन जो भी यहाँ पे पॉइंट सिस्टम था रेडिंग का, चाहे डिफेंडिंग का, चाहे अदर पॉइंट का, चाहे कार्ड एंड टीम पॉइंट का, सब कुछ मैंने बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इससे आप लोग और आसानी के साथ ड्रीम इलेवन का टीम बना पाओगे कबड्डी के लिए और यहाँ पे खेल पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बताया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।